उ बिल्ल हिमना शही तोम बसम हलो आई एम डार शौकत एंड टुडे इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द दिलेक्ट्रोलॉमज इन इंडिया एलेक्ट्रोल रिफॉर्मज इन इंडिया दिस टॉपिक इज मड इन द चैप्टर ऑफ एलेवन स्टैंडर्ड पोलिटिकल साइंस एंड टाइटल्ड एज एलेक्शन हम इलेक्शन यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं हमने पढ़ा था कि इलेक्शन क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और साथ में हमने पढ़ा था फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स इन इंडिया सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स होता क्या है देखिए रिफॉर्म का मतलब चेंज एनी मॉडिफिकेशन एनी ऑल्ट्रेशन सो हमारे कंट्री जो है इंडियन कंट्री वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पे जो इलेक्शन होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए दांधलियां नहीं होनी चाहिए गलत तरीके से इलेक्शन नहीं होना चाहिए सो so, लोगों का कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे कमीशन बने थे कमिटीज बने थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए थे जिसमें यह कहा गया कि हमें इलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन सी चेंज करने की जरूरत है जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे जिसे लोग डेमोक्रेसी से खुश रहे जिसे लोग पॉलिटिकल पार्टी से खुश रहे सो कुछ चेंजेस किए गए हैं हमारे कंट्री के अंदर उन इलेक्शन के रिलेटेड इलेक्शन के उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स पहले जानते हैं बैकग्राउंड वाई इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स क्यों हो गया इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स एक्चुअली द रीजन इज देयर आर मेनी कंस्ट्रेंट्स और देयर वर मेनी कंस्ट्रेंट्स पहले पहले भी था और आज भी है बहुत हद तक द मेन कंस्ट्रेंट ऑफ द इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया Is, या, आर, हमारे इंडिया के अंदर, या बड़े बड़े लीडर होते हैं उनके पास दो नंबर पैसा होता है जो ब्लैक मनी विच कैन नॉट बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट जहां जिस, जहां पर इंसान को टैक्स ना देना पड़े उस पैसे पे कालाधन जिसको कहते हैं सो so, वो पैसा लोग इस्तेमाल करते हैं और इलेक्शन में आ जाते हैं इलेक्शन लड़ लेते हैं सो ब्लैक मनी इज द बिगेस्ट हर्डल नेक्स्ट इज कॉल्ड द रिगिंग यानी हमारे इलेक्शन में इंडिया के अंदर रिगिंग होती थी यानी कुछ पावरफुल पर्सन जो होते थे वो अपना पावर का इस्तेमाल करके अपने रोप्स का इस्तेमाल करके यानी एग्जाम्पल कहेंगे वो कुछ ऐसे रोप्स इस्तेमाल करते थे फ्रॉडलेंट तरीके ऐसे तरीके से इस्तेमाल करते थे किसी एक इंसान को जिताने के लिए उसको हम कहते हैं रिगिंग करना सो so, पहले पहले इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इलेक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा रिगिंग होता था जो पावरफुल पर्सन होते थे वो फ्रॉड कर लेते थे वो अपने ताकत का इस्तेमाल करते थे और किसी एक इंसान को जितवाने में उसके बाद और एक पावर था और एक प्रॉब्लम थी कंस्ट्रेंट था इन द इंडियन इलेक्ट्रोल प्रोसेस डेट वाज़ द मसल पावर मसल पावर मतलब गुंडा राज समझ लीजिए आप सो so, जो हॉलीगन्स होते थे जो गुंडे होते थे वो इलेक्शन बूथ के बाहर बैठते थे पूरे बूथ को कैप्चर करते थे और जो मर्जी होती थी उनको करना वो बिल्कुल करते थे सो so, इस चीज़ को हम कहते हैं मसल पावर ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उसके बाद याद रखिएगा और एक प्रॉब्लम थी एंट्री ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स जो बड़े बड़े क्रिमिनल होते थे वो भी इलेक्शन लड़ते थे जब उनको कोई सहारा नहीं मिलता था अब क्या करें लास्ट में उनके पास एक ही ऑप्शन बचता था क्या हम इलेक्शन लड़े क्योंकि उनके पास पैसा भी होता था और लेकिन बैकग्राउंड जो उनका था वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते थे वो भी इलेक्शन में आ गए यानी लीडर्स अब कौन बनने लगे क्रिमिनल्स बनने लगे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लोगों को फॉल्स प्रोमिस करते थे और उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं होता था सो वी कैन से फॉल्स प्रोमिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सो इनिशियली देर वर मैनी कॉन्स्टेंट्स इन द इंडियन पोलिटिकल सिस्टम लाइक द क्राइम ब्लैक मनी रिगिंग मसल पावर एंट्री ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स फॉल्स प्रोमिस ऑफ पोलिटिकल पार्टीज इन चीजों को मिटाने के लिए इन चीजों को मिटाने के लिए तरह तरह के हमारे पास यहां पे कुछ रिफॉर्म्स किए गए कुछ चेंजेस किए गए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कमिटीज बनाए उनको कहा कि हम कैसे इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं हाउ कैन वी गेट इट फ्रॉम सच नॉनसेंस थिंग्स सच इविल थिंग्स एग्जाम्पल so, के तौर पे एक कमेटी जो बनी थी उसको हम कहते हैं तारकुंडे कमेटी तारकुंडी कमेटी 1974 में बनी थी गोस्वामी कमेटी 1990 में बनी थी वोहरा कमेटी ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बनी थी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस ये कुछ मेन कमेटीज बने थे जिन कमेटीज को ये काम सौंप दिया गया था कि आप हमें बताइए रिकमेंड कीजिए कि हम कैसे इलेक्ट्रोल रिफॉर्म कर सकते हैं हमें कौन कौन सी चेंज करनी चाहिए सो दैट कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस जीत सके डेमोक्रेसी का स्पिरिट मेंटेन रहे सो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और बहुत हद तक इनके रिकमेंडेशन को कहीं तक एक्सेप्ट भी किया गया अब देखते हैं कि कौन कौन से रिफॉर्म्स हमारे पास यहां पे हुए हैं सबसे पहली एक बात याद रखिएगा कि यहां पे पहले पहले क्या होता था डिफेक्शन होता था डिफेक्शन का सिंपली मतलब समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कांग्रेस पार्टी से कोई बंदा लड़ रहा है कांग्रेस पार्टी से उसकी फंडिंग कर रहा है उसे पैसे दे रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए कांग्रेस अब वो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्य से लड़ रहा है अब उसने इलेक्शन जीता उसने जो इलेक्शन जीता वो उसने कांग्रेस की टिकट पे जीता लेकिन कल हो के अगर उसको कोई पद कोई पोस्ट नहीं मिल जाती थी वो कांग्रेस वालों को कहता था जनाब मैं आपकी पार्टी को छोड़ के जा रहा हूं या करना क्या करना है सो पार्टी उसको कुछ नहीं कर पाती थी सो ये डिफेक्शन स्टार्ट हो गया था सो हर एक जस्ट लस्ट ऑफ पावर के लिए वो जो लीडर्स थे वो पार्टियों को छोड़ने लगे वो डिफेक्टिव बनने लगे इससे पोलिटिकल पार्टीज को नुकसान होने लगा क्योंकि वो फिर गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे सो so, क्या हुआ एक लॉ बनाया गया जिसको हम कहते हैं टेंथ स्केड के अंदर हमारे पास इंडिया के अंदर स्केड्यूल सिस्टम है उस टेंकेड्यूल के अंदर फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट हो जाता है और लॉ बनाया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है सो वो नहीं ये कह सकता कल हो कि जीत के कि मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जाऊंगा उसको किसी भी हाल में उसी पार्टी के अंदर रहना है सो so, उसको इसके ऊपर एक लिमिट लगाया गया अब वो ये नहीं कह सकता मैं जा रहा हूं सो so, एक रिफॉर्म हुआ कि अब डिफेक्शन को बचाया गया किससे एंटी डिफेक्शन से दिस इज द द द फर्स्ट रिफॉर्म रिफॉर्म इन प्रोसेस वोटिंग एज पहले पहले हमारे पास यहां पे वोटिंग एज होता था 21 उसके बाद 18 कर दिया गया अंडर सिक्सटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सो उसके बाद वोटिंग एज का थोड़ा बहुत चेंज आ गया 21 से लेके 18 तक तो ये भी एक रिफॉर्म हो गया सो so, यहाँ पे यूथ जो कंट्री है कि वो इन्वॉल्व होने लगे इलेक्शन प्रोसेस में जिससे जब यूथ इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है उनके पास टेंडेंसी होती है कि दे कैन डिसाइड व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड वो अच्छे लीडर को ही वोट देंगे सो so, इस चीज़ के लिए इस प्रोविजन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया फ्रॉम ट्वेंटी टू एटीन उसके बाद याद रखिएगा और एक रिफॉर्म किया गया जब भी कोई बंदा इलेक्शन लड़ लेता है जब वो अपना फॉर्म भरने जाता है उसको अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं बैंक बैलेंस दिखाना होता है कि उसके पास बैंक बैलेंस कितना उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है सो so दैट कि कल हो के कहीं वो जब काम करे गलत काम करेगा सो so अगर प्रॉपर्टी फिर ज्यादा निकली तो उसको पकड़ा जाएगा ऑब्वियसली कि आपकी इतनी प्रॉपर्टी कहां से आ गई हाँ वो लीगल में खरीद सकता है लेकिन इलीगली तरीके से अगर वो इतनी प्रॉपर्टी खरीद रहा है जो लिमिटलेस है बहुत ज्यादा है सो so, उस केस में उसकी छानबीन हो सकती है इसी तरीके से जब कोई बंदा इलेक्शन लड़ लेता है उसके लिए एक प्रोविजन रखा गया है सिक्योरिटी डिपॉजिट का सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है सिंपली कि अगर कोई बंदा इलेक्शन लड़ लेता है अब किसी बंदे ने इलेक्शन लड़ लिया अब जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है उसको इलेक्शन ऑफिस जाना है फॉर्म भरने के लिए लेकिन जब वो फॉर्म भरेगा उसको कुछ पैसे भरने होंगे वहां पे क्यों बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन करने के लिए वो लड़ लेते है. जीतने के साथ उनको कुछ नहीं होता उनको पता भी होता है कि हम जीत नहीं पाएंगे डिपॉजिट so, उनको देना होता है अब जब हर एक को पैसे देने होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए जो नॉन जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे या ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो मजे लेते होंगे चलो लड़ेंगे इलेक्शन so, थोड़ा सा बैन लग जाएगा उन थोड़ा सा लिमिट लग जाएगा क्योंकि उनको पता होगा इलेक्शन लड़ना है तो पैसे भरने हैं बिना पैसे के इलेक्शन नहीं लड़ सकते सो so इस ये भी एक रिफॉर्म बहुत बड़ा माना जाता है इसके बाद और एक रिफॉर्म आ गया कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड वोटर्स कार्ड जिसको कहते हैं जो 1993 से शुरू हुआ था जो भी 18 साल का है उसको वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है उस पर उसका फोटो होता है सो so, कल होकर बोगस वोटिंग नहीं हो सकती कल होकर जब वो पोलिंग बूथ पे जाएगा वोट डालने के लिए उसके पास इलेक्शन कार्ड होगा लीगल माना जाएगा वो आराम से वोट डाल सकता है तो कब हो गया फोटो आईडी कार्ड स्टार्ट 1993 से ये भी एक कहीं हद तक बड़ा प्रोविजन एंड रिफॉर्म माना जाता है सबसे पहले यहां पे हमारे पास जो इलेक्शन होता था वो बैलेट बॉक्स में होता था वो बड़े बड़े बॉक्से होते थे चिट डालने होते थे बहुत टाइम लग जाता था टाइम कंज्यूमिंग होता था लेकिन यहां पे फिर एक सिस्टम स्टार्ट हो गया ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम न्यूजीलैंड के अंदर इस्तेमाल किया गया और इंडिया में सबसे पहली बार कहां पे हुआ था 1988 में राजस्थान और दिल्ली के अंदर इससे क्या हो जाता है ईवीएम से इससे काउंटिंग आसान हो जाती है लोगों को वोट डालने आसान हो जाते हैं लेकिन यहां पे और एक इंपॉर्टेंट चीज बताने लाइक है ईवीएम के ऊपर जो बटन होते हैं वो टोटल सिक्सटीन होते हैं यानी वहां पे टोटल सिक्सटीन कैंडिडेट्स पहुंच सकते हैं अगर सिक्सटीन से ज्यादा है तो नया ईवीएम अरेंज करना पड़ेगा सो ईवीएम से क्या हुआ जल्दी वोटिंग हो जाती है रिजल्ट एक्यूरेट आ जाता है So, आसानी हो जाती है लोगों को भी वोट डालने में आसानी होती है उसके ऊपर सिंबल्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के सिंबल्स उसको प्रेस करना होता है वोट चला गया उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म किया गया जिसको हम कहते हैं नोटा नन ऑफ द एबो मतलब कोई बंदा ऐसा है वो कहता है कि जितने सारे इस साल इलेक्शन लड़ रहे हैं मुझे उनमें से कोई भी एक्सेप्ट नहीं है उनमें से कोई भी ईमानदार नहीं है मैं किसी पे कॉन्फिडेंस नहीं जता सकता हूं मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता हूं so, सो वो किसको प्रेस करेगा नोटा को प्रेस करेगा मतलब नॉन ऑफ द जितने सारे ऊपर है मुझे इनमें से कोई एक्सेप्ट नहीं है तो ये भी एक इलेक्ट्रोल रिफॉर्म है इसी तरीके से एक और रिफॉर्म किया गया है कि जो हमारे पास इलेक्शन हो जाता है उसमें हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं अब रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है उसके पास अथॉरिटी होती है मान हो लीजिए पचास एक्स्ट्रा सो रिटर्निंग ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है कि उसको पता है कि टोटल वोट्स थाउजेंड थे लेकिन आ गए एक सौ पचास ये पचास तो फिर बोक्स वोटिंग है ये तो फ्रॉड वोटिंग है सो वो उस केस में उस सीट को एंड वॉइड कर सकता है और उसके लिए नया इलेक्शन हो सकता है फ्रेश इलेक्शन और यह भी याद रखेंगे कि फ्रेश इलेक्शन जो जो करना होगा, वो विदिन सिक्स करना होगा होगा वो विद इन इसके बाद है है और एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का 2017 में आया था यह भी एक कहीं हद तक अच्छा रिफॉर्म माना जाता है लेकिन देखते हैं कि इसके अंदर लूप होल्स क्या है देखिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं कॉर्पोरेट प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर क्या था उनके ऊपर एक कैप लगा हुआ था यानी उनका जो टोटल प्रॉफिट था तीन सालों का अपनी कंपनी के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं अंबानी का जो कंपनी का प्रॉफिट था तीन सालों के अंदर उसमें से उसको 7.5 परसेंट वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकता था यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना ये बिजनेसमैन ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि कल होके पोलिटिकल पार्टीज इनका काम करे इनके बड़े बड़े ठेके होते हैं वो कर सके बड़े बड़े काम होते हैं वो कर सके इसलिए ये जो कारपोरेट प्लेयर्स होते हैं बिजनेस प्लेयर्स होते हैं ये इनको क्या देते थे देते दे थे लेकिन कितना देते दे थे एज पर द रेगुलेशन एक्ट जो था। सो रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से इनको सेवन पॉइंट फाइव परसेंट देना होता था लेकिन टू थाउजेंड सेवेंटीन ट्वेंटी टू मार्च के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का वो देख लेते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है एमेंडमेंट कर दिया गया और इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गया पहले पहले ये कॉर्पोरेट प्लेयर्स बीस हजार दे सकते थे किनको पोलिटिकल पार्टीज को लेकिन उसके बाद लिमिट लगाया गया दो हजार लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा इससे क्यों कुछ नहीं होगा क्योंकि पैसा जा रहा है पोलिटिकल पार्टीज के पास बिजनेसमैन उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपने लालच के लिए सो so, एक कॉन्सेप्ट आ गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मतलब सिंपली क्या होता है बॉन्ड मतलब एक करंसी होती है अब वो अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसको कर सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा जब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा मतलब वो जितना पैसे जा सके वो उनको ट्रांसफर कर सकते हैं उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा सो so, इससे पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं इससे और ज्यादा वो स्ट्रांग हो जाते हैं और जो पैसा देने वाला होता है उसका काम भी हो जाता है सो so, इस सिस्टम को हम कहते हैं लॉबिंग सिस्टम लॉबिंग सिस्टम यानी जब बिजनेसमैन सपोर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को उसको पैसा देते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के थ्रू ट्रांसफर कर लेते हैं करेंसी को ट्रांसफर कर लेते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड या उसको कहते हैं हम लॉबिंग सिस्टम इसी तरीके से और एक रिफॉर्म अगर आप देखेंगे क्राउड फंडिंग क्राउड फंडिंग का मतलब होता है लोगों को पोलिटिकल पार्टीज रिक्वेस्ट करते हैं आप किसी पोलिटिकल पार्टी के लिए क्या दीजिएगा दस रुपए पांच रुपए सौ रुपए लोग देते हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो क्राउड फंडिंग सो उनके पास पैसा आ जाता है इसी तरीके से याद रखिएगा कि अगर हमें इस सिस्टम को अच्छा बनाना है तो हमें कॉर्पोरेट डोनेशन पे बैन लगानी चाहिए यानी ये जो बिजनेसमैन है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स है कैप है वगैरह है बीस हजार से लेकर दो हजार तक तो इन सब पे बैन लगना चाहिए और एक डिमांड है कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इंडिया के अंदर जो सिस्टम होता है फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम उसमें यह होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो बंदे लड़ रहे हैं या पांच बंदे इलेक्शन लड़ रहे उनमें से जो ज्यादा वोट्स ले जाएगा वही विनर होगा दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम अब बाकी जो होते हैं वो तो रह जाते हैं उनकी वॉयस म्यूटेड रह जाती है इसलिए कहा गया कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अब प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मान लीजिएगा बीजेपी को मिले थर्टी सेवन परसेंट यूपी के अंदर जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था so, वो हुकूमत बना पाए, वो लेजिस्लेचर में जा पाए लेकिन बीएसपी जो वहां पे पार्टी थी उसको मिले थे जीतने के बावजूद भी ये क्या रह जाते हैं म्यूट रह जाते हैं सो है। so, इनको क्या होना कि 20 परसेंट किसी हालत में जाना चाहिए लेजिस्लेचर के अंदर जाना चाहिए सोचा कुछ हद तक यह कहते हैं कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज बेटर देन फर्स्ट पोज द सिस्टम इसको अडॉप्ट करना चाहिए लेकिन इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है और यह उतना ज्यादा सिंपल नहीं है जितना फर्स्ट पोज द पास सिस्टम है इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है इसी तरीके से और एक रिफॉर्म मान लेते हैं कि जब किसी बंदे को इलेक्शन लड़ना होता है जब वो ऑफिस में जाता है फॉर्म भरने के लिए उसके साथ प्रपोजर्स होने चाहिए टेन परसेंट ऑफ द कॉन्स्टिच्युएंसी किसी कॉन्स्टुंसी से मान लीजिएगा एक बंदा इलेक्शन लड़ रहा है अब उसको फॉर्म भरने जाना है दस बंदे उसके पास तक उस कॉन्स्टिच्युएंसी के टोटल वोट्स में से 10 परसेंट उसके पास होने चाहिए जो कम से कम ये श्योरिटी तो दे कि ये जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है ही इज इज और शी नॉट क्रिमिनल क्रिमिनल ये नहीं है इसका बैकग्राउंड अच्छा है सो दैट इलेक्शन कमीशन वुड बिलीव दैट जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है इसके पीछे लोगों का सपोर्ट है कितना होना चाहिए टेन होना चाहिए कॉन्स्टिट्युएसी से इसी तरीके से याद रखिएगा हमारे पास और कुछ चीजें हैं कि जो इलेक्शन लड़ते हैं उसके लिए जो कैंपेनिंग होती है ट्वेंटी डेज से लेके फोर्टीन डेज कर दिया गया या ट्वेंटी डेज से फोर्टीन डेज होते हैं सो इनमें पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं वो अपना कैंपेनिंग चलाते हैं कि लोगों से जाते हैं डोर टू डोर उससे कहते हैं कि हमें वोट दीजिएगा अपना मैनिफेस्टो बता देते हैं अपने प्रोमिस बता देते हैं कि अगर हम पावर में आएंगे हम क्या करेंगे सो so, इस पे भी क्या होना चाहिए ये भी एक रिफॉर्म है कि ज्यादा दिन नहीं होने चाहिए कम डेज होने चाहिए उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट और एक रिफॉर्म है कोड ऑफ कंडक्ट कब लग जाता है कि 48 एट आवर्स से पहले पहले यानी जब वो जिस दिन वोटिंग डालनी होगी जिस दिन वोटिंग डालनी होगी उससे 48 घंटे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको स्टॉप करनी होगी अपनी एक्टिविटीज वो माइक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते चुपचाप करके वो किसी के घर नहीं जा सकते वोट मांगने के लिए तो इसके केस को हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट यानी वो अंडर द शैकल्स आ जाते हैं फैटर्स आ जाते हैं वो आप लोगों के पास नहीं जा सकते उससे पहले जा सकते हैं क्योंकि उनके पास चौदह और बीस दिन है वो जा सकते हैं लेकिन जब फोर्टी डेज रह जाते हैं वोट को डालने में वो कहीं नहीं जा सकते इसके बाद और एक रिफॉर्म किया गया हमारे यहां पे इंडियन कंट्री के अंदर दट द नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम दो से हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिसको हम कहते हैं नेशनल वोटर्स डे सो इसी तरीके से एग्जिट पोल पे बैन लगा दिया गया के जो मीडिया वाले होते हैं या मां इस भी ये एग्जिट पोल्स बता कौन पार्टी जीतेगी टीवी पे चर्चा चर्चा चलता रहता है इससे बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हो जाता है सो इस पे बैन सिटीज़न ऑफ इंडिया लिव अब्रॉड कैन ऑल्सो वोट ये भी एक रिफॉर्म है कि जो इंडिया के सिटीजंस है अगर वो किसी और कंट्री के अंदर रह जाते हैं सो वो वहां से अपना वोट डाल सकते हैं या और एक रिफॉर्म किया गया है कि जो हमारे पास आर्मड फोर्सेस होते हैं आर्मड फोर्सेस अगर किसी और जगह ड्यूटी है वो वहां से भी अपना वोट डाल सकते हैं सो एक और रिफॉर्म है उनका वोट जाया नहीं होगा हमारे पास इंडिया के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उसका नाम था सीताराम यूचरे सीताराम युचरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसने करेक्टराइज किया कि हिंदुस्तान का जो पोलिटिकल सिस्टम है उसने फोर फोर uh, इसके बताए हैं फोर सीज कहा कि इट इज टोटली करप्टेड करप्शन क्राइम सो करप्शन क्राइम कास्टिज्म एंड ये जो है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके ये सारे करेक्टरिस्टिक्स है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के तो जहां तक बात की जाए करप्शन की करप्शन का मतलब होता है टेकिंग ब्राइब इन एनी प्राइवेट प्लेस च कैन नॉट बी रिपोर्टेड टू द गवर्मेंट ऐसा होता रहता है इसी तरीके से क्राइम होता है यहाँ पे क्रिमिलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है यहाँ पे या मान लेते हैं हम यहाँ पे कम्युनलिज्म होता है यानी दो रिलीजन आपस में लड़ लेते हैं दट्स कॉल्ड कम्युनलिजम हिंदूज एंड मुस्लिम विद ईच अर दिस कॉल्ड कम्युनलिजिम एंड दिसगेस्ट चैलेंज फॉर द डेमोक्रेसी सो यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर इसको सॉल्व होना चाहिए कास्टिज्म जो लोग है वो ज्यादा किस पे वोट देते हैं कास्ट पे वो देखते हैं कि हम उसी को वोट देंगे जो हमारे कास्ट का होगा यानी हिंदू फिर हिंदू को देते हैं मुसलमान फिर मुसलमानों को देते हैं इससे क्या हो जाता है कि अगर मीन अगर हिंदू में ही कोई अच्छा होगा जो अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को रन कर सकता है वो रह जाता है क्यों रीजन ये है कि लोग कास्ट पे वोट देते हैं अगर कास्ट ज्यादा मुसलमान में होंगे तो वही जीत जाएगा फिर वो अच्छा होगा या बुरा होगा लोगों से उससे कोई परवा लोगों को उसको कोई परवा नहीं है रीजन इसलिए क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे अपने कास्ट का ही बंदा क्या आ जाए आगे आ जाए और कल होके वो उनका क्या करे काम करे सो कास्टिज्म एंड जो कम्युनलिज्म है दीज आर द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर द डेमोक्रेसी दीज चैलेंजेस शुड बी रिमूव्ड एज सोन एज पॉसिबल सो so, ये कुछ इलेक्ट्रोल थे हमारे इंडियन कंट्री के अंदर जो बार बार उठाए जाते हैं यहाँ पे इसी तरीके से लास्ट में छोटा सा टॉपिक है, हम है कि तो तो हमें इलेक्शन पांच साल से पहले ही करना पड़े उसको कहते हैं इट कंसिडर्ड एज मिड टर्म इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन इंडियन हिस्ट्री के अंदर तीन बार हो हो चुका चुका है है। 1991 के 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 अंदर, 1999 के अंदर, अंदर 1998 1999 तीन बार इलेक्शन हो चुका है, before the completion of the five years, जब लेकिन की वजह से अगर पांच साल से पहले हो जाए उसको हम टर्म इलेक्शन so हमारे पास कॉन्सेप्ट थे वट वर देंट इन द इंडियन पोलिटिकल सिस्टम सो वी डिस्कस दैट थिंग लाइक द क्राइम ब्लैक मनी रिगिंग मसल पावर एंट्री ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स फॉल्स प्रॉमिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कास्टिज्म कुम्यूनलिज्म मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी सो मशीनरी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है बहुत हद तक ये न्यूज़ भी सुनने को आती है कि ई का गलत इस्तेमाल हो रहा है सो so, इन चीज़ों पर गवर्नमेंट को कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए कि लोगों का कॉन्फिडेंस बरकरार बर रहे सो so, दैट कि वो ये बिलीव ना करे कि नहीं ई का गलत इस्तेमाल हो रहा है सो so, इन चीज़ों को में लेना चाहिए और कौन कौन से रिफॉर्म्स आज तक उठाए गए हैं वो मैंने आपको बता दिए और टाइम टू टाइम कमिटीज़ बनते रहते हैं वो ये सजेस्ट करते रहते हैं जैसे लॉ कमीशन जो इंडिया का है वो भी उसने तो भी कई हद तक बहुत सारे रिकमेंडेशन बनाए हैं और वो रिकमेंड कर रहा है गवर्नमेंट को कि किस तरीके के रिफॉर्म्स होने चाहिए गवर्नमेंट को जो उनमें से अच्छा लग रहा है उन उनको रिफॉर्म किया जा रहा है आज तक जितने सारे रिफॉर्म्स हुए हैं वो मैंने आपको बताया है कौन कौन से कमिटीज़ बने थे और कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं आई डिस्कस ईच एंड एवरी थिंग होप सो यू अंडरस्ट दिस लेक्चर बिफोर कंक्लूडिंग माई टॉपिक आई एम रिक्वेस्टिंग माई ऑल वेल विशर्स डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल द नेम ऑफ माई channel is oshin's origin of creativity energies and Neosinus started by darshaokar and do not uh, forget to press on the bell icon thank you so much